ये मुल्क व्हाट्सएप के जरिए चलाया जा रहा है। हुकूमत ने अदालती निजाम पर हमला किया, साबित हो गया राणा सनाउल्लाह हुकूमत के सियासी इंतकाम का निशाना बना है। लीगी रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया, कहा क्या नून लीग के रहनुमाओं के लिए शफाफ ट्रायल का हक नहीं? फॉरन फंडिंग केस में मतलूब सदर और वजीर आजम इलेक्शन कमीशन की तायुनातियां कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत करप्ट तरीन है, महंगाई के बायस लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। और आजाद अदलिया के कामों में एग्जेक्टिव की मुदाखलत या उसकी किसी किस्म की इंटरफेरेंस को ममनू किया गया। इस वार और हमले ने निजाम अदल के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए इस मुल्क में शफाफ आजाद ट्रायल का हक मौजूद है या नहीं। आज के इस वाक्य ने एक बार फिर सबूत दे दिया कि ये पूरा अमल जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ चलाया जा रहा है ये हुकूमत की मर्जी हुकूमत की मंशा के ताबे चलाया जा रहा है। जब कुछ सबूत पेश नहीं होगा, जब एक साल से झूठे मुकदमों को गिरफ्तारियां करके नैप को इस्तेमाल करके कभी बैरून मुल्क मीडिया से ट्रायल कराया जाता है और कभी जज की तब्दीली की जाती है, कभी जज को वीडियो दिखाते नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया जाता है और कभी जज को व्हाट्सएप पे मैसेज करके दौरान समाज आप तब्दील कर, ये कानून ये उन्होंने प्राप्त। और जो फॉरन फंडिंग केस है, मैं सिर्फ आपके जरिए बताना चाहती हूँ उसमें मुलजिम कौन है, ये पता है आपको? उसमें मुलजिम सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो प्राइम मिनिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग फॉरन फंडिंग केस में मतलूब है, जो सदर मुलजिम है फॉरन फंडिंग केस, वो कामयाब कर रहा है मेंबर इलेक्शन कमीशन। ये है आईनी बोरान कि ये व्हाट्सएप पे रेस्टोरेंट आया और आज राणा सनाउल्लाह साहब के जो मुकदमे के जज थे उनको व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये मुल्क अगर व्हाट्सएप पे चलना है तो ये वजीर आजम इमरान साहब के ऊपर।